हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। टुडे वी डिस्कस इनकंपैटिबिलिटी पार्ट फर्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट। कंपैटिबिलिटी जो टॉपिक है वो बी फार्मेसी एंड डिप्लोमा फार्मेसी दोनों के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर अपन जो डिस्कस करेंगे आज, वो देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इनकंपैटिबिलिटी, क्लासिफिकेशन यानी कि जो इनकंपैटिबिलिटी वो कितने तरीके की होती है, फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिकल इनकंपैटिबिलिटीज, और लास्ट में अपन देखेंगे कुछ एमसीक्यू जो मोस्टली कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं इनकंपैटिबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द इनकंपैटिबिलिटी टर्म। सो इनकंपैटिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस एंड इट इज डिटेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल, केमिकल और थेरापेटिक क्वालिटीज। यानी जो इनकंपैटिबिलिटी है, इनकंपैटिबिलिटी यानी कि जो डिजायर चीज नहीं है एक तरीके से, ये तब आती है जब अपन एक से ज्यादा प्रोडक्ट को मिक्स करते हैं और उसके अंदर अपने को कोई चेंजेस दिखने को मिलते हैं। चेंजेस या तो फिजिकल हो सकते हैं जो अपन फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज हो गया, केमिकल यानी कि कोई अंदर रिएक्शन हो गई, और थेरापेटिक यानी कि अपने डिजायर को एक्शन देखने की इच्छा रखी थी और एक्शन कोई और प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि इनकंपैटिबिलिटी जब भी, जैसे आपने दो प्रोडक्ट्स को मिक्स किया तो उसके अंदर से कोई आपको चेंजेस होकर देखने को मिले, या तो वो फिजिकल हुए, केमिकल हुए या फिर थेरापेटिक हुए। इनकंपैटिबिलिटी पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इनकंपैटिबिलिटी क्या है, जब आप मेडिसिन को ले रहे हो तब भी आ सकती है, और जब आप मेडिसिन को फॉर्मुलेट कर रहे हो, डोजेस फॉर्म को बना रहे हो, तब भी आ सकती है। तो वो कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगी। सपोज कि कोई इनकंपैटिबिलिटी केमिकली हुई और उसके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट हो गए, तो जो इफेक्ट है वो सेफ्टी पर आ गया। अगर कोई प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, आपने जो फॉर्मुलेशन बनाई है उसमें कोई इनकंपैटिबिलिटी आ रही है, तो अगर सेफ्टी है तो बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है। दूसरी एफिकेसी, हो सकता है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ जैसे जैसे प्रोडक्ट है जो कि कंटामिनेट हो रहा है, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ड्रग की जो एफिकेसी है, जो क्षमता है, वो भी कम हो सकती है। और साथ ही साथ अपीयरेंस ऑफ मेडिसिन, यानी कि आपने सपोज कोई प्रोडक्ट बनाया और आफ्टर टाइम उसका कलर चेंज हो गया, तो जो पेशेंट है या जो कंज्यूमर है उसके मन में क्या रहेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो खराब हो गया। यानी कि अपन को इन सब चीज़ों के बारे में देखते हुए जो भी अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट की सेफ्टी वैसे की वैसी रहे, एफिकेसी वही रहे, और जो अपीयरेंस है जो अपन दे रहे हैं वो प्रोडक्ट की वैसी वैसी रहे। इनकंपैटिबिलिटी में ऑकर्स नॉट ओनली ड्यूरिंग कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग बट ऑल्सो एट एनी स्टेज ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, मैनुफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। यानी कि जो इनकंपैटिबिलिटी है, जो रिएक्शन है प्रोडक्ट की, वो सिर्फ और सिर्फ जब अपन फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तब नहीं आ सकती, वो किसी भी ड्यूरेशन में आ सकती है। या तो वो फॉर्मुलेशन बनाने के समय आ सकती है, आपने कोई गलत एक्सीपेंट ऐड कर दिया है, या फिर जो ड्रग है उसके सूटेबल एक्सीपेंट आपने नहीं ऐड किया है, प्रोसेस आपने गलत कर दी है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इनकंपैटिबिलिटी आ सकती है, आपने जब पैकेजिंग की तो कंटेनर के साथ ड्रग रिएक्ट कर सकती है, और एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी ड्रग रिएक्ट कर सकती है। लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे, सपोज किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर डिजीज हो, या रिएक्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के टाइम पे अपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गलत चूज कर लिया, या कोई भी चीज आपने जो डोज रिक्वायर्ड थी वो लेने की जगह कोई दूसरी डोज ले ली, तो ये सारी की सारी इनकंपैटिबिलिटी किसी भी स्टेज पे आ सकती है। करते हैं कि जो इनकंपैटिबिलिटीज है वो कितने तरीके में डिवाइडेड है। तो इनकंपैटिबिलिटी तीन तरीके से है, फिजिकल इनकंपैटिबिलिटी, केमिकल इनकंपैटिबिलिटी एंड थेरापेटिक इनकंपैटिबिलिटी। वीडियो में अपन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इनकंपैटिबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब फिजिकल इनकंपैटिबिलिटी क्या होती है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इज एन अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। यानी फिजिकल इनकंपैटिबिलिटी वो है यानी कि जो आप फिजिकली देख सकते हो, विजुअलाइज है वो इनकंपैटिबिलिटी, जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हो। अब फिजिकल इनकंपैटिबिलिटी कितने तरीके से हो सकती है, तो वो भी चार तरीके से है। एक तो भाई प्रोडक्ट है जो इमिसिबल हो गया यानी कि इमिसिबिलिटी, दूसरा इनसॉल्युबिलिटी यानी कि आपने जो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में मिलाया वो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं हो रहे, ऑब्वियसली अपन इसको फिजिकली डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज लिक्विफिकेशन, यानी कि जैसे आपने एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में ऐड किया, सिस्टम है जो लिक्विफाई हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एंड फोर्थ वन इज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना। इनकंपैटिबिलिटी को अगर अपन को फॉर्मुलेशन के दौरान अपने को पता चल जाए कि भाई ये इनकंपैटिबिलिटी आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, और जो प्रोडक्ट है वो खराब हो रहा है, तो अपन उसको उसी समय रोक भी सकते हैं। सो द फिजिकल इनकंपैटिबिलिटी मे बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यानी कि जो इनकंपैटिबिलिटी है उसे अपन करेक्ट भी कर सकते हैं अगर अपने को शुरुआत में ही पता चल जाए कि इस रीजन से अपने प्रोडक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। सपोज कि अपन कोई मेथड यूज कर रहे हैं तो उस मेथड के चक्कर में इनकंपैटिबिलिटी आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, मेथड को चेंज कर देंगे। तो द चेंज इन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग मे बी रिड्यूस द इनकंपैटिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपने मिक्सिंग का ऑर्डर चेंज कर दिया, सपोज आपने चार प्रोडक्ट को मिक्स करना है, ए बी सी एंड डी,
ए के बाद जब आप बी मिक्स करते हो तो सिस्टम है जो लिक्विफाई हो जाता है, बट आपको पता है कि जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो एड्सॉर्बेंट का काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, मिक्सिंग के अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट के बाद फोर्थ प्रोडक्ट को ऐड कर दोगे, तो जो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग जैसे चेंज की तो जो इनकम्पेटिबिलिटी है वो अब नहीं आएगी। सेकेंड वन इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यानी कि ये इनमिसिबिलिटी के अंदर है, जैसे सपोज कि आपको पता है कि दो चीज़ें हैं लिक्विड है आपस में सेपरेट हो रहे हैं, इमिसिबल हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर सकते हो जिससे सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी और जो सिस्टम है वो स्टेबल हो जाएगा। अगर सिस्टम इनसॉल्युबल है तो वहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट ऐड कर दो। एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट रिड्यूस द इनकम्पेटिबिलिटी। फोर्थ वन इज चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट। सपोज कि कोई एक्सीपिएंट है जिसके कारण अपना सिस्टम है जो अनस्टेबल हो रहा है, इनकम्पेटिबल हो रहा है, तो जो एक्सीपिएंट है या जो इंग्रेडिएंट है आप यूज़ कर रहे हो उसकी जगह आप कोई दूसरे इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप इमल्शन बना रहे हो तो आपको पता है कि आपको ऑयल कंटिन्यूस फेज का इमल्शन बनाना है, तो आपको इमल्सिफाइंग एजेंट भी कंटिन्यूस ऑयल कंटिन्यूस फेज वाला डालने पड़ेंगे, ऑयल सोल्यूबल डालने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिस्टम है जो स्टेबल होगा। और फिफ्थ है बाय एडिंग सब्सटीट्यूशन और ओमिशन ऑफ थेरापेटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस टू हेल्प इन कंपाउंडिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मुलेशन आपको क्या उसमें ऐड करना है, क्या सब्सटीट्यूट करना है, कौन सा चीज़ निकालनी है उस सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, वही पर अपन चीज़ें कर सकते हैं। अगर अपन बात करें फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी की, फर्स्ट पॉइंट इमिसिबिलिटी की। इमिसिबिलिटी क्या है, यानी कि जब आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया वो इमिसिबल हैं, यानी कि इट इज़ अ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। आप जैसे किसी को मिक्स करोगे दो लिक्विड को जो कि आपस में मिसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली आप फिजिकली उसको विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि दो लिक्विड एक दूसरे में सेपरेट हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑयल एंड वाटर, आप जैसे ही पानी के अंदर तेल डालोगे तो क्या होगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन जो पानी है ऑयल है वो आपस में सेपरेट हो जाएगा। बट अपन इमल्शन की बात करें तो इमल्शन क्या है, वाटर इन ऑयल या फिर ऑयल इन वाटर। अब आपको इमल्शन बनाना है और आपने स्टेबल इमल्शन बनाना है, तो आप इस इनकम्पेटिबिलिटी को कैसे ओवरकम करोगे, यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेंगे, सरफेस टेंशन रिड्यूस करते हुए सिस्टम को मिसिबल बनाने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल की बात देखते हैं कि सपोज आपको कैस्टर ऑयल लेना है 15 ml एंड वाटर लेना है 60 ml। कैस्टर ऑयल इज यूज एज अ लक्सेटिव। अब इसका आपको इमल्शन बनाना है, तो ऑब्वियस है जैसे ही आप इमल्शन बनाओगे तो क्या होगा, इमिसिबिलिटी हो जाएगी, तो इसे करेक्ट करने के लिए आपको इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जैसे आप इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, आप होमोजेनाइजर यूज कर रहे हैं या हाई प्रेशर यूज कर रहे हैं, तो जो सिस्टम है वो मिसिबल हो जाएगा और एक टाइप ऑफ इमल्शन वाटर इन ऑयल या फिर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन क्रिएट हो जाएगा जो कि स्टेबल होगा, इनकम्पेटिबल नहीं होगा। बात करते हैं इनसॉल्युबिलिटी की। अब इनसॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिसॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट सिस्टम। अब इनसॉल्युबिलिटी क्या है, यानी कि ऑब्वियस है जो पार्टिकल है वो जो लिक्विड सिस्टम है उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रहे, यानी कि वो फ्लोप करेंगे। जैसे सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन में क्या होता है, जो ड्रग है वो सॉल्वेंट सिस्टम में डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो अपने को उसका सस्पेंशन बनाना पड़ता है, पार्टिकल को फ्लोप करवाना पड़ता है। रीजन क्या है कि भैया आपने पोलर सिस्टम के अंदर नॉन पोलर डाल दिया या फिर नॉन पोलर में पोलर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मेजरली वो इनकम्पेटिबिलिटी क्यों आती है, क्योंकि जो आपकी ड्रग है वो किसी ना किसी के तरीके के सॉल्ट हैं जो आपके सिस्टम के अंदर इनकम्पेटिबल हैं। तो द मेजर इनकम्पेटिबिलिटीज आर ड्यू टू इनसॉल्युबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यानी कि जो भी आप ड्रग ले रहे हो इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक नेचर की जो आपके सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, तो क्या होगा, ऑब्वियस है पार्टिकल हैं जो कि जैसे आप डालोगे तो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हैं, मिसिबल नहीं है। एग्जाम्पल देखें कि इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो जैसे एक एग्जाम्पल है एफिडीन सल्फेट मैंथोल एंड लिक्विड पैराफिन। अपने को इसका एक सस्पेंशन बनाना है, बट जैसे ही आप इसका सस्पेंशन बनाओगे तो आप देखोगे जो एफिडीन सल्फेट है वो सिस्टम के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता, लिक्विड पैराफिन में डिसॉल्व नहीं हो पाता, बट आपको सॉल्वेंट लिक्विड पैराफिन ही लेना है। तो जब आप इसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तब आपको पता चचलता है कि जो एफिडीन सल्फेट है वो एक एल्कलॉइडल सॉल्ट है जो कि लिक्विड पैराफिन में सॉल्युबल नहीं होता, बट आप एफिडीन सल्फेट की जगह एनहाइड्रस एफिडीन यूज करोगे तो वो सॉल्युबल है लिक्विड पैराफिन में। तो इस तरीके से आप इसकी फॉर्मुलेशन यूजिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट चेंज कर सकते हो और सिस्टम को कंपेटेबल बना सकते हो। पर बात की कि जो मोस्टली जो इनसॉल्युबिलिटीज होती हैं वो तो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कारण होती है जो कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हो सकते। तो अगर अपन अलग से बात करें इनसॉल्युबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल मोस्टली रहते हैं पोलर या फिर सेमी पोलर सॉल्वेंट में, लाइक वाटर, एल्कोहल या फिर एसीटोन में। यानी कि जब भी अपने को इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ कंपाउंड्स को सस्पेंशन बनाना है या कोई सिस्टम बनाना है तो अपने को पोलर या फिर सेमी सॉल्वेंट, जो सेमी पोलर सॉल्वेंट है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। सेकेंड है इनसॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनसॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से
इनसॉल्युबिलिटी है और इसको अपन कैसे करेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दे पोजेस बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो ऑग्नि कंपाउंड्स हैं वो पोलर एंड नॉन पोलर दोनों पार्ट्स उनके अंदर होते हैं अगर अपन हाइड्रोकार्बन के अलावा की बात करें तो। मेथड टू प्रिवेंट इनकम्पेटिबिलिटी, अब इनमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि इनसॉल्युबल रहते हैं और उनको अपन कंपेटिबल कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड्स के बारे में बताया गया है कि इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स और डिफ्यूजिबल सॉलिड्स। इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स की बात करूँ तो ये डिफ्यूज नहीं होते पानी के अंदर, ये सीधा का सीधा एक प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक चौक, सक्सिनाइल, सल्फाथायाजोल, सल्फाडाइमिडीन, कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड। इनको जैसे ही आप पानी में डालोगे तो दे आर इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। अब आपको इसका सस्पेंशन बनाना है या कोई सिस्टम बनाना है तो इसके लिए आपको थिकनिंग एजेंट डालने पड़ेंगे लाइक अकेशिया और ट्रेगागेंथ, जो कि सिस्टम में विस्कोसिटी बढ़ा देंगे और सिस्टम को फ्लो करने में हेल्प करेंगे और जो प्रोडक्ट है वो कंपेटिबल होगा या फिर इनकम्पेटिबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी। दूसरी बात करते हैं अपन इनसॉल्युबल पाउडर की, जैसे सल्फर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स, ये वेट नहीं होते सिस्टम के अंदर जल्दी से, तो इनको अपन को वेट करवाने के लिए वेटिंग एजेंट डालना पड़ता है, ये सिस्टम में फ्लो करते रहते हैं। तो वेटिंग एजेंट जैसे आप डालोगे तो जो इनका डिस्पर्शन है वो बढ़ जाएगा सिस्टम के अंदर, जो सरफेस टेंशन की रिड्यूस हो जाएगी और सिस्टम में जो कंपेटिबल होना शुरू हो जाएगा। थर्ड है फॉर पोटेंट इनसॉल्युबल कंपाउंड। अब सपोज आपने वो ड्रग ली, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो जो इनसॉल्युबल है, तो क्या होगा अगर वो नीचे सेटल हो गया और आपको डोज ले रहे हो, तो शुरू में तो कोई भी डोज की क्वांटिटी नहीं आई, बट लास्ट की जो डोज है उसके अंदर डोज बहुत ज़्यादा आ गई, तो ये क्या होगा टॉक्सिसिटी को रिड्यूस इफेक्ट कर सकता है, ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है आपकी बॉडी में, ड्रग एक्यूमुलेट हो सकती है आपकी बॉडी में। तो जैसे कि जो बारबिट्यूरेट्स हैं या जो एरेक्लॉइड है उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए आपको उनके डेरिवेटिव ऐड करने पड़ते हैं जो कि सिस्टम के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि अपन ने एफिडिन का एग्जांपल देखा था पहले, तो दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, जिसके कारण क्या होगा जो टॉक्सिसिटी हो रही है उनके एक्यूमुलेशन के कारण वो कम हो जाएगी, जो सिस्टम है वो कंपेटिबल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें अल्कोहलिक वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स लाइक क्लोरोफाइल, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो इनको प्रिवेंट करने के लिए अपन को इनको डाइल्यूट फॉर्म में यूज करना पड़ता है। फिफ्थ की बात करें हाइड्रोफिलिक कोलाइड प्रेसिपिटेट विद लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल, लाइक पॉलीसेक्राइड या म्यूसुलेज हैं, ये क्या करते हैं कि ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, अगर इनको प्रेसिपिटेट होने से बचाना है तो इनकी बहुत ही कम क्वांटिटी यूज करनी पड़ती है, उनका जो स्टरिंग है बहुत ही विग्रसली करना पड़ता है, तब जाके जो सिस्टम है वो स्टेबल होता है। थर्ड पॉइंट है लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन को अपन यूटेक्टिक मिक्सचर भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है when certain low melting point solids are mixed together, a liquid of soft mass known as eutectic mixture is formed, यानी कि जैसे आप दो या तीन कंपाउंड आपस में मिक्स करोगे तो क्या होगा उनका जो रियल मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम मेल्टिंग पॉइंट का एक प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा और जो सिस्टम है वो लिक्विफाई हो जाएगा एनवायरमेंट में, तो इससे अपन कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। ऑब्वियसली एक तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी है क्योंकि अगर सपोज आप इसका पाउडर बना रहे हो, इनसफ्लेशन बना रहे हो और जैसे आपने इन दोनों को मिक्स किया तो आपका प्रोडक्ट है जो लिक्विफाई हो जाएगा, इट इज एन इनकम्पेटिबिलिटी, देन हाउ टू ओवरकम इट, सो दिस ऑकर्स ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर टू बिलो रूम टेम्परेचर एंड लिब्रेशन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अभी क्यों होता है क्योंकि जैसे ही आपने दोनों जो पाउडर है उनको मिक्स किया तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से भी कम आ जाएगा, और अगर रूम टेम्परेचर से किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम आ जाए तो ऑब्वियसली वो पाउडर या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनमें लिक्विफिकेशन पाया जाता है, तो लाइक कैम्फर, मैंथॉल, थाइमोल, फिनॉल, क्लोरोहाइड्रेट एंड एस्पिन, इन सब के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये लिक्विफाई हो जाते हैं जैसे इनको आप मिक्स करते हो रूम टेम्परेचर पे। अब आप इस इनकम्पेटिबिलिटी को ओवरकम कैसे करोगे, तो ऑब्वियस अगर कोई सिस्टम लिक्विफाई हो रहा है तो अपन उसके अंदर एड्सॉर्बेंट मिला देंगे, जैसे सपोज आपको एक इनसफ्लेशन बनाना है, इनसफ्लेशन नोजल्स में दिया जाता है नोजल जो ड्रेन है उसको क्लियर करने के लिए, जैसे मैंथॉल, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड और लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको एक फॉर्मूला दे दिया और आपको इसका इनसफ्लेशन बनाना है। अब आपको पता है कि जो मैंथॉल, कैम्फर जैसे आप मिक्स करोगे तो क्या होगा ये लिक्विफाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपन को जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो चेंज करना। प्रिपरेशन आप कैसे चेंज करेंगे, आप दो तरीके से इसको बना सकते हो। अब आपको पता है कि जो लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट है या लाइट केओलिन है ये एड्सॉर्बेंट है, तो जैसे ही एड्सॉर्ब होंगे जो जो लिक्विफाई हो रही है सिस्टम उसको एड्सॉर्ब कर लेंगे, वो पानी सिस्टम को जो लिक्विफाई होने नहीं देंगे। तो दो तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं, एक तो ये कि जो इंग्रेडिएंट है जो कि लिक्विफाई हो रहे हैं आपस में मिक्स होते हुए उन दोनों को सेपरेट कर लो और उनके साथ अलग अलग आप एड्सॉर्बेंट लाइक लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट को मिक्स कर दो, उसके बाद जो सिस्टम है उसको ऐड कर दो। दूसरा तरीका क्या रहेगा, द इंडिविजुअल मेडिकामेंट इज पाउडर सेपरेटली एंड मिक्स विद एन एड्सॉर्बेंट एंड देन कंबाइंड टुगेदर
लाइटली एंड फिल्ड इन सुटेबल कंटेनर, यानी कि जो इंग्रेडिएंट है उन सबको आप अलग अलग कर दो और थोड़ा थोड़ा सबके अंदर है जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड कर दो, उसके बाद एट द एंड आप सबको मिक्स कर दो, तो क्या होगा, जो सिस्टम है वो सुटेबल बनेगा और उसके अंदर कोई भी इनकम्पेटिबिलिटी नहीं आएगी। पॉइंट इज या लास्ट फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को अगर अपन डिफाइन करें, ड्रग कैन बी प्रेसिपिटेटेड इफ सॉल्वेंट इन विच इट इज इनसॉल्युबल इज एडेड टू द सॉल्यूशन, यानी कि प्रेसिपिटेशन कब होगा, जैसे ही आप ड्रग के अंदर ऐसा एक सॉल्वेंट डाल दो जिसके अंदर कि वो इनसॉल्युबल है, तो जो सब्सटेंस है वो क्या नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो रेजिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट, यानी कि जो रेजिन्स है ऐसे कोई कंपाउंड जिसके अंदर रेजिनियस मैटर पाया जाता है, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं, और जैसे ही वाटर में आप डालोगे तो क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा और सिस्टम में नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इससे करेक्ट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, बाय स्लोली एडिंग द अनडाइल्यूटेड टिंचर विथ विग्रस शेकिंग, यानी कि अगर आपको इसको प्रेसिपिटेट को रिमूव करना है और इस सिस्टम को आपको करेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस सिस्टम को डायल्यूट करेंगे और स्लोली ऐड करेंगे यूजिंग विग्रस शेकिंग, बहुत तेजी से घुमाते हुए, तो जो प्रेसिपिटेशन है वो लेट ओकर होगा और जो सिस्टम है वो स्टेबल बनेगा। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.